नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। नई रोशनी की किरण अब बुझने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके जीवन में एक नया अंधकार आने वाला है। वक्त रहते इसे समझ जाइए, नहीं तो आप खाली हाथ पछताते रह जाओगे। दोस्तों, आपका जो ये समय है, बता दें कि किस प्रकार वे आपका दुर्भाग्य लेकर आ रहा है और दोस्तों आपके भाग्य का दरवाजा बंद कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को कई सारी हानियां होने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, अभी के समय में यदि आप अपने चारों तरफ नजरें घुमाएंगे तो दोस्तों आपके जीवन में कई सारी परेशानियां हैं। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों में लोग अलग अलग तरीके से परेशान हैं। जैसे कि दोस्तों, बिजनेस करने वाले लोगों को कुछ अलग परेशानियां हैं, पारिवारिक जीवन में कुछ अलग परेशानियां हो सकती हैं, प्रेम संबंधों में भी कुछ अलग प्रकार की परेशानियां हैं। दोस्तों, ऐसे ही जितने ही क्षेत्र हैं, आपके राशि के जातकों को इस समय कुछ ज्यादा ही परेशानियों का सामना आपके जीवन में करना पड़ रहा है। कुछ ज्यादा ही समस्या इस समय दोस्तों अचानक से आपके जीवन में आ रही है दोस्तों, जिससे आप बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं, इन मुसीबतों से कई सारे अनुभव भी प्राप्त हो रहे होंगे। दोस्तों, आप अपनी गलतियों से कुछ न कुछ जरूर सीख रहे होंगे और इस समय में एक नई किरण लेकर आ रहा है। आपके दुख दोस्तों अब समाप्त होंगे और दोस्तों बता दें कि अब आप लोगों के जीवन में अंधेरे से अब उजाला होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपके जीवन में अंधेरापन है वह अब बदल कर उजाले में बदलने वाला है। दोस्तों, आपका ये समय अवश्य बदलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान सबकी मुरादें पूरी करते हैं। जो लोग कुछ भी नहीं करते उनके संग तो कोई कार्य नहीं होते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग ईश्वर को मानते हैं, अच्छे काम करते हैं। दोस्तों बता दें, ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो ऐसे में ईश्वर के घर दोस्तों भले ही देर हो रही हो, लेकिन उनके घर अंधेर कभी नहीं हो सकता। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी उन 3 दिनों के बारे में जो दोस्तों आपके जीवन में नए और बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हर ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं कि किस प्रकार आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। नई योजनाएं आपकी सफल रहने वाली हैं, मेहमानों की आवाजाही भी रहेगी। और दोस्तों, आप लोगों को यह भी बता दूं कि इस समय, मतलब ये जो समय रहने वाला है, जो समय की गति रहेगी दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की जो चाल रहेगी, उनका शुभ प्रभाव दोस्तों आप पर पड़ने वाला है। मतलब समय आपके पक्ष में रहेगा, समय की गति आपके पक्ष में रहने वाली है। और दोस्तों, आपको बता दूं, पिछले कुछ समय से किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, कोई समस्या परेशान कर रही है, घर से संबंधित हो, पारिवारिक जीवन से संबंधित समस्या हो, संतान पक्ष संबंधी समस्या हो, तो दोस्तों उससे आपको काफ़ी हद तक समाधान मिलेगा, राहत मिलने वाली है। तो दोस्तों, इन कार्य को निरंतर करते रहिए, आप लोगों को शुभ फल की प्राप्ति जल्दी ही होने वाली है और नई उपलब्धियां भी आपके हाथ लगने वाली है। संतान पक्ष की तरफ से कोई नया समाचार आपको मिल सकता है। व्यवसाय में कुछ नीतियां लागू करेंगे व धन भी खर्च कर सकते हैं, जिसमें व्यापार को आगे बढ़ा सकें। व्यापार में हो रही समस्याओं के लिए अपने भाई बंधुओं से बातचीत कर सकते हैं। संतान को उच्च शिक्षा दिलाने के लिए आज आप थोड़ा सा परेशान दिख सकते हैं, जिसके लिए आप धन निवेश करने का निश्चय करेंगे। विद्यार्थी कुछ विषय में समस्या को लेकर गुरुजनों से बात कर सकते हैं। प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए दिन काफी अच्छा है। आप अपने लिए भी समय निकालें, इसमें कामयाब रहेंगे। घर के कार्य में भी व्यस्ततम नजर आएंगे। इस राशि वालों के लिए आज का दिन सामान्य गुजरने वाला है। और दोस्तों, काम धंधे की नौकरी से भी आप लोग के रूटीन के काम होते रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारी आपकी बातों से प्रसन्न होंगे व आपको कोई बड़ा पद भी सौंप सकते हैं, जिसके बाद आपको समस्या हो सकती है। ऐसे में आपको धैर्य के साथ पहले से ही सभी चीजों को समझना चाहिए और दोस्तों उसके बाद आगे बढ़ें। दोस्तों, कोई मित्र आपसे धन उधार मांगे तो आपको उसे कोई सोच समझ करके देना चाहिए। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों लोन लेने के बारे में सोच सकते हैं।
किसी संस्थान से इस बारे में चर्चा हो सकती है। अपने परिवार में किसी सदस्य से यदि कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना होगा, नहीं तो वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आपस में किसी बात पर विवाद हो सकता है, अपने क्रोध पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण काम संबंधी योजना बना लें, क्योंकि दोपहर बाद में परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल हैं। आपके काम स्वतः बनना शुरू हो जाएंगे। परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धियां को लेकर घर में खुशी भरा माहौल रहेगा। मित्र अथवा संबंधियों के साथ में किसी गलती की वजह से संबंध खराब हो सकते हैं, इसीलिए सावधान रहें। परिवार तथा घर के बुजुर्गों को भी आपके देखभाल की जरूरत है, इसलिए उनका खास ध्यान रखें। अच्छी व्यवस्था बनाकर रखने की आवश्यकता है। स्टॉक पर कंट्रोल रखें। प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस में अच्छे संबंध मिलेंगे। नौकरी पेशा लोग ध्यान रखें कि कोई काम गलत होने से अधिकारी नाराज हो सकते हैं। घर तथा पारिवारिक लोगों के साथ में समय व्यतीत करने से वातावरण सौहार्दपूर्ण बना रहेगा। व्यर्थ के प्रेम प्रसंगों में अपना समय नष्ट ना करें। समय बहुत ही अनुकूल है। आज कुछ सकारात्मक स्थितियां बनेंगी। अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचाने व उसका उपयोग करें। साथ ही बनाई गई योजना में निकट समय 100% समय प्रदान करने वाला है। ध्यान रखें कि निर्णय लेने से समय लगाने से चीजें आपके दिमाग से निकल सकती हैं। योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें। साथ ही बाहरी व्यक्तियों को हस्तक्षेप भी आपके लिए परेशानी का केंद्र बन सकता है। अपने व्यक्तिगत कार्य स्वयं करें। व्यवसाय स्थल पर कार्य प्रणाली कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। रुका हुआ पैसा आने से आर्थिक परेशानियां खत्म होगी। नौकरी पेशा लोगों की तरक्की के रूप हैं। अधिकारियों से संबंध अच्छे रखें। काम की अधिकता के कारण आप अपने दाम्पत्य संबंध को उचित समय नहीं दे पाएंगे, परंतु स्थिति में आप लोगों को कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रखें कि काम के बीच में उचित आराम लेना बेहद ही जरूरी है, वरना दोस्तों आप लोगों को दर्द महसूस हो सकता है। मानसिक शांति आप लोगों के काम में बहुत जरूरी है। आर्थिक रूप से आपका समय मजबूत है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से आज आपके लिए धन कमाने के कई मौके मिलेंगे। साझेदारी और व्यापार में हिस्सेदारी से दूर रहें। खाली वक्त का सही इस्तेमाल करना आपको सीखना ही होगा, नहीं तो जीवन में आप कई लोगों से पीछे रह जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें, आपके जीवन साथी के साथ में आप लोग का रिश्ता काफी अच्छा रहेगा। परिवार को ज्यादातर आप लोगों को बिजी नजर आ सकते हैं। आज का दिन मिला जुला रहेगा। आपको व्यापार में अचानक से धन मिलने से आपको प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा व अपनी किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। लेकिन आपको आज कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो मजबूरी में न चाहते हुए भी करने पड़ेंगे। अपने रिश्ते को वक्त रहते संभाल लीजिए, नहीं तो दूरी इतनी बढ़ सकती है कि आप एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद ना करें। दोस्तों आप अपने किसी मित्र से यदि कोई पैसे का लेन देन करें तो बहुत ही सावधानी से करें। प्यार और परिवार की बात की जाए तो आज आप उदास महसूस कर रहे हैं और कुछ समय सार्वजनिक कार्यों से कटाव करके अकेले में बिताना चाहते हैं। यदि किसी के लिए पागल हैं तो अभी पूरी तरह साहस बटोर कर अपनी चाहत का इजहार करें। याद रखें, सच्चा प्यार हर किसी के नसीब में नहीं होता। दोस्तों का साथ आपका खजाना है। आप दोस्तों काफी अच्छा व्यवहार है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखिए। सभी की आंखें आज आप पर एक जगह टिकी रहेंगी। दोस्तों आपको बता दें, मीठा बोलने वाले लोगों की बातों में ना आए, वे आपसे मतलब का कार्य करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। जो लोग हमेशा आपसे अगर प्रेम से बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि वे आपके संग अच्छे ही रहें। प्रेम संबंधों का भी ख्याल रखें, वरना दोस्तों पारिवारिक जीवन में जहर घुल सकता है। इसको मैनेज करना आपको आना चाहिए और आप मैनेज कर भी लोगे। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी से गुजरने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो आपके जीवन को तहस नहस करेगा। आज के दिन दोस्तों इन चीजों से बचकर ही रहें, नहीं तो दोस्तों अगर मान लो कोई आपके जीवन में आता भी है तो वो पूरे जांच पड़ताल करें उसकी। यदि प्रेम संबंध आगे ना बढ़े तो दोस्तों उससे पहले ही आपको पूरे अच्छे से जांचना है कि वह व्यक्ति आपके लायक है या फिर नहीं। तो दोस्तों आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।